So, konnichiwa guys, it's finally here. Yes, Demon Slayer series का फिनाले आप सबके सामने हाजिर है। तो इसको लाने में मुझे बेशक देर तो हो ही गया है एंड इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ गाइस एंड आई नो कि तुम लोग मुझे माफ जरूर करोगे। सो फाइनली आज हम लोग देखेंगे कि तांजिरो कामादो का जर्नी आखिरकार कैसे एंड होगा। तो बिना देर किए सीट बेल्ट बांध लो, चलिए देखते हैं कहानी का अंत। जैसे ही काना मेडिसिन को तांजिरो पर इंजेक्ट करके उसे वापस आने कहती है, तांजिरो के माइंड में कुछ हलचल नजर आते हैं। तांजिरो का माइंड सोचने लगता है, मैं भी वापस घर जाना चाहता हूँ नेजुको, मैं बहुत थक चुका हूँ। हे भगवान प्लीज मुझे घर जाने दो, मैं बस अपनी छोटी बहन के साथ घर लौटना चाहता हूँ प्लीज। एंड तभी मुजान का शक्ति तांजिरो को कहने लगता है, तुम घर जाके क्या ही करोगे, तुम्हारी पूरी परिवार मारे जा चुके हैं, सिवाय दफन लाशों के अलावा तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, सो क्यों घर जाना चाहते हो। एंड तभी तांजिरो जवाब देता है कि वहाँ अभी भी उसके खुशी वाले दिनों के यादें बसे हैं और जब तक नेजुको और वो जिंदा है तब तक ये यादें नहीं मिटेंगे, सो उन्हें वापस जाना ही है। देन मुजान फिर से आ जाता है और कहता है, ऐसी पॉइंटलेस चीज़ें करके तुम्हें क्या फ़ायदा, नेजुको मर चुकी है और तुम ही ने उसे मारा है। एंड तांजिरो को उसके परिवार की यादें सत्य की ओर धकेलते हैं और तांजिरो को विश्वास दिलाते हैं कि नेजुको मरी नहीं है। तांजिरो मुजान को इस छूट के वजह से लायर कहता है, बट बुराई यानी मुजान भी हार नहीं मानता है और गुस्से से कहने लगता है, तुम मरे हुए लोग ऐसे परेशानी मत करो, क्या तुम्हें अपने मरे हुए साथियों के खून नहीं सूंघ पा रहे, वो मर चुके हैं, वो सब तुमसे नफरत करते हैं तांजिरो, कोई भी ये नहीं चाहता कि तुम वापस आओ, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे तांजिरो। ये सब कहने के बाद मुजान तांजिरो को अपनी तरफ भड़काने की पूरी कोशिश करता है एंड देन तांजिरो उसे जवाब देता है, मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें हर्ट किया, मैं वापस जाके सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ। जैसे ही मुजान कहता है कि कोई तांजिरो को माफ़ नहीं करेंगे, तांजिरो भी उचित जवाब देता है, वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे ये डिसाइड करने तुम होते कौन हो, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि सभी मेरे लिए चिंतित हैं। मुजान अब एकदम गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, तुम मेरे विल के इनहेरिटर हो, आगे मत देखो, दूसरों पर विश्वास मत करो और आशाएं मत ढूंढो, अगर तुम डीमन ना रहो तो तुम कुछ ही सालों में मारे जाओगे, तुम्हें डीमन स्लेयर मार्ग का वो श्राप भुगतना पड़ेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचो, डीमन बन के अमर रहने का ये अपॉर्चुनिटी मत खो। एंड तभी तांजिरो जवाब देता है कि उसे इंसान रहकर ही मरना है और उसे ज़रा भी इस बात का छा नहीं कि वो हमेशा अमर रहे। ये सुनकर मुजान और गुस्सा हो जाता है एंड कहने लगता है, तुम कचरे हो, तुम ये कैसे कह रहे हो कि सभी के मरने के बाद भी तुम्हें वापस जाना है। एंड इस बार सिर्फ तांजिरो के परिवार ही नहीं बल्कि रेंगुकु, ग्योमे, ओबानाए, शिनोबू और तांजिरो के सभी प्रियजनों की वो अटूट शक्ति तांजिरो को बुराई को हराने सच्चाई की तरफ धकेलते हैं। तांजिरो शिनोबू को महसूस करता है और ये विस्टेरिया फूल के जैसा खुशबू होता है एंड सच्चाई की हाथ तांजिरो को अपनी तरफ बुलाती है, पर मुजान भी हार नहीं मानता और जीतने की कोशिश करता रहता है, बट इस बार कोई और नहीं बल्कि नेजुको की हाथ तांजिरो को चुराने आती है और उसे वापस घर चलने कहती है। ये देखकर तांजिरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट मुजान तो तांजिरो को एकदम से पकड़ ही लेता है और उसे ये सब कहने लगता है, तुम मेरे साथ आ रहे हो, हमने सूरज को भी हरा दिया, तुम एक अनोखे जीव हो और उस रास्ते पे मत जाओ, क्या तुम्हें उन मृत लोगों की हेटफुल प्राइस सुनाई नहीं दे रही, वो लोग तुमसे जलते हैं कि सिर्फ तुम ही क्यों जियो। बट तांजिरो भी विश्वास से कहता है कि वो लोग ऐसे खिलौने इंसान नहीं हैं, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए अपनी जान गंवाने को तैयार रहते हैं, वो लोग दुखी थे और सभी ने बहुत ही तड़पा पर वे कभी ये नहीं चाहते थे कि दूसरे भी ऐसे ही तड़पे। बट मुजान तांजिरो को रुकने रिक्वेस्ट करता जाता है कि उसे उसका विल कैरी करना होगा और सिर्फ वही ये कर सकता है।
वो कहता है कि तांजिरो ही वो चूजन वन है और वो एकदम परफेक्ट बन सकता है, द अल्टीमेट लिविंग क्रिएचर। बट इस बार नेजुको के साथ साथ सभी के हाथ तांजिरो को वापस लाने, उसे सच्चाई की तरफ खींचते हैं और इसे हार ना मानने कहते हैं। तांजिरो को उन सभी के आवाज़ें सुनाई देते हैं कि इस तरफ आओ तांजिरो, चलो वापस चले तांजिरो, लेट्स गो होम तांजिरो। एंड बेचारा मुजान पीछे चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ तांजिरो, वापस आओ। एंड फाइनली सच्चाई की जीत होती है एंड बुराई हमेशा के लिए हार जाता है। तांजिरो अब खूबसूरत विस्टेरिया फूलों के बीच अपनी आँखें खोलता है एंड वास्तव में भी डीमन किंग तांजिरो ख़त्म हो जाता है और हमारा अपना वाला तांजिरो लौट आता है। नेजुको ये देखकर खुशी से रोने लगती है। तांजिरो भी रोते हुए नेजुको से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने नेजुको को घायल किया था। सभी खुशी से उछल पड़ते हैं क्योंकि तांजिरो अब लौट चुका है। नेजुको खुशी से तांजिरो को गले लगाती है। कानाओ भी तांजिरो के बगल में लेटी उसे वापस देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ योशिरो भी ये सब देखकर रोने लगता है और खुशी से वो लेडी टामायो को याद करता है। और एट लास्ट ये जंग खत्म हुआ। अब सीन चलता है 3 महीने बाद बटरफ्लाई मेंशन में। इन 3 महीनों में तांजिरो और बाकी सबके इंजरीज ठीक करने, ट्रीटमेंट्स वगैरह किए गए। तभी तांजिरो अपने बेड से बाहर के चेरी ब्लॉसम देखकर मजे कर रहा होता है, जहाँ उसके साथ नेजुको, इनोसुके और जेनित्सु भी होते हैं। तांजिरो गहरी सोच में डूबा हुआ होता है कि अब इस दुनिया में कोई डीमन नहीं बचे, हालांकि ये कई कुर्बानियों की वजह से मुमकिन हुआ, इसलिए हमें जीते रहना होगा जब तक एक टुमारो यानी कि कल है। मीनवाइल नेजुको देखकर हैरान होती है कि तांजिरो का लेफ्ट हैंड एकदम किसी बुरे आदमी जैसे रिंकल्ड हो चुका है। तांजिरो कहता है कि वो इस हाथ के लोअर हाफ से कुछ सेंस भी नहीं कर सकता है। वो अब नेजुको से पूछता है कि वो कैसी है, जहाँ नेजुको जोश से कहती है कि वो ठीक है। बट तांजिरो को पता होता है कि उसके कारनामों की वजह से नेजुको को कई सारे चोट भी पहुँचे होंगे, जिस वजह से वो उसे सॉरी कहता है। नेजुको कहती है कि अब कोई बात नहीं एंड अगर तांजिरो ऐसे सॉरी बोलता रहा तो नेजुको उसे हेडबट देगी। योशिरो ने तांजिरो से कहा था कि तांजिरो ने नेजुको को ही सबसे पहले काटा और शुक्र है कि उनके पास शिनोबो की मेडिसिन थी। देन नेजुको भी मानती है कि तांजिरो डीमन से वापस इंसान बन गया, यानी उसके शरीर में एंटीबॉडीज है। योशिरो ने तांजिरो से कहा था कि तुम वापस इंसान कभी नहीं बन पाते अगर शिनोबो की ड्रग और नेजुको ना होते, तुम बहुत लकी हो और डीमन के रूप में भी तुम्हारी क्षमता टकरा था, तुमने पलक झपकते ही सूरज को जीत लिया और मुजाना नेजुको से भी ताकतवर थे, पर अच्छा हुआ कि तुमने अपना होश पूरा नहीं खोया, मुझे पसंद आया कि तुमने प्राउडली लड़ा। तांजिरो एंसर करता है कि सभी ने उसका मदद किया इसलिए ऐसा हो पाया। एंड देन योशिरो तांजिरो को उल्टा सीधा कहकर मुंह फुलाकर वहां से चला जाता है एज यूजुअल। बट तांजिरो योशिरो से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो ना मरे, क्योंकि वही एकमात्र है जो तामायो की यादों को जीवित रख सके। मीनवाइल तांजिरो को अचानक याद आता है कि गियू और बाकी साहब को तो उसने देखा ही नहीं। वो नेजुको से पूछता है कि क्या वो लोग ठीक है। तभी नेजुको कहते हैं कि वो लोग ठीक है और मास्टर उबायशी के यहाँ गए हुए हैं। हेडक्वार्टर्स में गियू और सानेमी द ओनली अलाइव हाशिरास फाइनल हाशिरा मीटिंग को अटेंड करते हैं। किरिया उबायशी की उन दोनों से कहता है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, आज का यह हाशिरा मीटिंग फाइनल मीटिंग है। सानेमी और गियू, अभी सिर्फ आप दोनों हाशिरा से बचे हो और कई कॉर्प मेंबर्स भी मारे गए हैं। हावेवर हम डीमन स्लेयर्स ने सक्सेसफुली डीमंस को मिटा दिया, सो डीमन स्लेयर कॉर्प्स आज से डिसबैंड होता है। किरिया की बहनें भी कहने लगते हैं, कई सालों से आप लोगों जैसे फाइटर्स अपनी जान को रिक्स में डालकर लड़ते आ रहे हैं ताकि वह इस दुनिया के लोगों को बचा सके। वो दोनों और किरिया अब सर झुकाकर गियू और सानेमी को रेस्पेक्ट शो करते हैं कि हम उबायशी की फैमिली दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बट गियू और सानेमी उन्हें ऐसे झुककर थैंक्स कहने मना करते हैं क्योंकि उबायशी के परिवार ने ही डीमन स्लेयर्स को साथ लाए।
गियो किरिया से कहता है कि उसने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया एंड उसके पिता और पूर्वज इससे प्राउड होंगे। किरिया रोते हुए गियो को शुक्रिया कहता है। मीनवाइल तेंगेन और उसके वाइफ्स तांजिरो से मिलने आते हैं। वो लोग तांजिरो और नेजुको से बातचीत करते हैं एंड हिनात्सुरु कहती है कि वो दोनों उनसे मिलने आए एंड ये कहकर वो अपनी एड्रेस और कुछ स्नैक्स उन्हें देती है। इसके बाद सेंजिरो और शिंजिरो रेंगोकू भी इनसे मिलने आते हैं। शिंजिरो यानी क्योजिरो के पिता तांजिरो से कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि तुमने लड़ाई में मेरे बेटे क्योजिरो का हैंडगार्ड अपने तलवार में इस्तेमाल किया, शुक्रिया। क्योजिरो भी खुश होगा। तांजिरो उनसे कहता है कि ये क्योजिरो थे जिसके बातों ने तांजिरो को हिम्मत दिया। तभी स्वॉर्डस्मिथ विलेजवासी भी तांजिरो से मिलने आ जाते हैं एंड उन्हें एकम्पनी करते हुए कई सारे काकुशीज भी आ जाते हैं एंड रूम पूरा भर जाता है। इस भीड़ से बचने इनोसुके वहाँ से चोरी छुपे निकलकर किचन में आ जाता है एंड खाना चोरी करता है। बट बेचारे को आवई पकड़ लेती है एंड वो कहती है, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, अगर तुम फूके हो तो इस प्लेट से खाओ, ये प्लेट सिर्फ तुम्हारा है, सो जब मन करे तुम यहाँ से खा सकते हो। इनोसुके ये सुनकर शर्माने लगता है। मीनवाइल काना और चेरी ट्री के नीचे खड़ी थी एंड तांजिरो भी वहाँ आ जाता है। जब तांजिरो कहता है कि ये पेड़ बहुत सुंदर है, कानाओ बताती है कि इसे फ्लावर ब्रीथिंग के पहले यूजर ने लगाया था। इसका नाम है विक्ट्री यानी जीत। कानाओ इस पेड़ को बताती है कि वो लोग जीत गए। तांजिरो कानाओ से पूछता है कि क्या उसकी आंखें अभी ठीक है। कानाओ इस पे जवाब देती है कि वो अभी भी थोड़ा देख सकती है एंड शी इज फाइन। वो कहती है कि विंड हाशिरा भी आए हैं। तांजिरो सोचता है कि उसे सानामी से मिल लेना चाहिए। कानाओ कहती है कि सानामी अभी भी यहाँ है। उसने कानाओ को ओबानाए का सांप काबुरामारू का ख्याल रखने दिया। मीनवाइल मेंशन के अंदर नेजुको सानामी को देखकर हाई कहती है। वो पूछती है कि सानामी के इंजुरीज अब कैसे है। सानामी थोड़ा डिस्टर्ब फील करके कहता है कि वो ठीक है। सानामी नेजुको से कहने लगता है, मुझे माफ़ करना, मैंने सुना कि मुजान के हारने के बाद भी कुछ हंगामा हुआ पर मैं बेहोश था। नेजुको हंसते हंसते कहती है, मैं लगभग 2 सालों से सोती रही एंड उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, और मेरे भाई भी 1 महीने से कोमा में थे, मुझे सोना पसंद है। जैसे ही नेजुको एक्साइटेड होकर कहती है कि उसे सोना पसंद है, सानामी उस पर अपना छोटा भाई गेनिया को देखता है जिसने सेम चीज़ उससे एक बार कहा था। ये देखकर सानामी इमोशनल हो जाता है और नेजुको के सर पे अपना हाथ रखता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब जेनित्सु एक कोने से देखकर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद गियो और मिस्टर उरोकुदाकी तांजिरो से मिलने आते हैं एंड वो लोग हंसी मजाक से बातचीत करते हैं। इसके बाद तांजिरो नेजुको इनोसुकी और जेनित्सु ग्रेवयार्ड में लेट डीमस्लर कॉर्प्स को सम्मान देने जाते हैं एंड इसके बाद वो चारो तांजिरो के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग मिस्टर साबुलो से भी मिलते हैं एंड फाइनली वो लोग कामादो रेजिडेंस पहुँच ही जाते हैं। फिर वहाँ वो चारो कामादो परिवार की ग्रेप्स पर प्रार्थना करते हैं। तांजिरो मन में प्रे करता है, मॉम डैड ताकियो हानाको शिगेरु रोकुता, कई सारे लोगों ने मेरा मदद किया, नेजुको और मैं एट लास्ट लौट ही आए, कई लोगों ने इस सफ़र पे अपनी जान गंवाए बट सभी ने अपना बेस्ट दिया ताकि उनके प्रेयर्स सफल हो, अब से चाहे जो भी हो हम साथ में लड़ेंगे, हम जीने के लिए अपना बेस्ट देंगे ताकि सभी के कुर्बानियाँ व्यर्थ ना जाए। एंड तभी तांजिरो और नेजुको महसूस करते हैं कि उनके भाई बहन उनके हाथ पकड़ रहे हैं और पूरी परिवार का वापस मिलन हो जाता है। वो सभी उन दोनों को वेलकम होम कहते हैं। तांजिरो और नेजुको ये देखकर रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि हम घर आ गए। इसके बाद वो चारों घर के अंदर चलते हैं जहाँ सब कुछ साफ सुथरे वे में होता है और घर चमक रहा होता है। तांजिरो एक चिट्ठी पढ़ता है जहाँ उससे पता चलता है कि मिस्टर साबुरो और गाँव वालों ने घर को साफ किया है, उन्होंने सब कुछ रिपेयर भी कर रखा है। इनोसुके दीवार पे मार्क्स देखकर हैरान होता है कि किस राक्षस ने ये सब किया होगा।
बट तांजिरो कहता है कि ये मार्क्स खरवालों ने ही बनाया है या वो लोग हाइट्स को मेजर करते हैं। इससे इनोसुके भी एक्साइटेड हो जाता है एंड उसे भी ये करने का मन करता है। फिर वो लोग नहा धोकर खाना खाने लगे एंड ऐसे ही वो लोग हंसी मजाक के साथ दिन गुजरने लगे। तांजिरो खुशी से सोचता है, मैं एक खुशहाल भविष्य का सपना देखता हूँ जहाँ मेरे प्रियजने मुस्कुराते रहे अंटिल द डे वो लोग स्वर्ग के लिए निकल पड़े। मैं आशा करता हूँ कि सभी खुशी से जिए और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग बिना डर के सुरक्षित रहे। भले ही मैं अब उन सभी के साथ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सब जिए और अपने पूरे जीवन जिए। मैं आशा करता हूँ कि यही शांति भरे दिन कभी ना बदले और हमेशा रहे। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, सालों बीतते गए, सदियाँ बीतते गए और अब दुनिया भी बदल चुकी है। एंड यही पे तांजिरो का कहानी होता है समाप्त और डीमन स्लेयर का मेन प्लॉट होता है खत्म। अब जो डीमन स्लेयर हम देखने वाले हैं, इसका टाइमलाइन पहले वाले से बहुत पीछे है, यानी डीमन स्लेयर द नेक्स्ट जनरेशन। हमें जापान के टोक्यो में कामादो रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। दो भाई, 16 साल का कानाता कामादो और 15 साल का सुमिहिको कामादो स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं। नाम सुनकर तो आप लोग पहचान सकते हो कि ये दोनों तांजिरो और कानाओ के डिसेंडेंट्स हैं। एंड यस, इसे ये बात पक्की होती है कि तांजिरो ने शादी कानाओ से ही किया था। मीनवाइल कानाता स्कूल के लिए एकदम रेडी होता है, वेयर एज सुमिहिको अभी भी गहरी नींद में डूबा होता है। कानाता को सुमिहिको ने अब 29 बार जगाने की कोशिश किया पर सुमिहिको उठा ही नहीं। सुमिहिको नींद में ही सोचने लगता है, मुझे सोना पसंद है, हाल ही में मैंने अपनी दादी माँ का सपना देखा इसलिए मैं जागना नहीं चाहता। जब मैं किंडरगार्टन में था और मैं उनसे मिलने जाता था, वो हमेशा हमें कई सदियों पहले एग्जिस्ट करने वाले डीमंस की कहानियाँ सुनाती थी। मुझे अब भी याद है कि मैं कितना एक्साइटेड हो जाता था। मैं इतना डर जाता था कि मेरा बड़ा भाई मुझ पर चिल्लाने लगता है कि डीमंस नहीं होते, और तभी मेरी दादी माँ मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे सहलाती थी। वो कहती है कि मेरे पर दादाजी और पर दादी माँ उन राक्षसों को हराने उनसे ब्रेवली लड़ते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि मरने के बाद लोगों को क्या होता है, उन्होंने कहा कि लोग पुनर्जन्म लेते हैं और अपने प्रियजनों के साथ खुशी से जीते हैं। पर मेरा भाई गुस्सा हो गया और कहता है कि ये सब झूठ है क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं। पर जब मैं इसके बारे में सोचता था तब मैं अकेला और दुखी बहुत कम फील करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जब मैंने ऐसा कहा, मेरा भाई जो दूसरे तरफ देख रहा था उसने भी हाँ कहा। जब डीमंस पुनर्जन्म ले, मैं नहीं चाहता कि वे वापस डीमंस ही बने। इसमें वक्त लग सकता है पर भगवान उन्हें ज़रूर माफ़ करेंगे, ये मुझे यकीन है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पर दादाजी और पर दादी माँ कैसे दिखते होंगे, वो कैसे डिशेस खाए करते थे, कैसे रंग के, कैसे, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। एक इंसान का जीवन एक स्टोरी जैसा होता है और मेरा जीवन मेरा अपना स्टोरी है जहाँ मेन कैरेक्टर मैं हूँ। 100, 200, 1000 साल पहले कई सारे स्टोरीज होंगे जितने लोग थे, मेरे परिवार के अजनबियों के कई स्टोरीज जो सिर्फ उन्हें ही पता है। अब हम किसी दूसरे घर यानी अगात्सुमा रेजिडेंस को देखते हैं जहाँ दो भाई बहने 17 साल का योशितेरु अगात्सुमा और 18 साल की तोको अगात्सुमा स्कूल के लिए तैयार होते हैं। ये दोनों को योर नहीं बल्कि जेनित्सु और निजुको के डिसेंडेंट्स होते हैं। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि जेनित्सु ने निजुको से ही शादी किया। मीनवाइल योशितेरु अपने पर दादाजी यानी जेनित्सु के नॉवेल्स को पढ़ रहा होता है जिससे उसे पता चलता है कि कैसे पास के जेनरेशन ने डीमंस को मिटा दिया एंड वो खुशी से रोने लगता है। बट तभी उसकी बड़ी बहन टोको उसे किक करके कहती है कि वो सारे झूठ है। वो योशितेरु पर चिल्लाती है कि एग्जाम्स इतने करीब है और वो ये सब कर रहा है। जब योशितेरु कहता है कि उसके पूर्वज कितने कूल थे, टोको उसको कान पकड़कर पढ़ के कूल बनने देती है एंड दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। बेचारा योशितेरु सोचता रहता है कि उसके घर की बाकी महिलाएं कितनी शांत है और उसकी ये बड़ी बहन कुछ और ही निकली।
अचानक से योशीदेरु तोको से पूछने लगता है कि क्या वो तोको पुनर्जन्म में विश्वास करती है। योशीदेरु को लगता है कि डीमस से लड़ने वाले वो सभी लोग पुनर्जन्म ले चुके हैं और अब खुशहाल जिंदगी बीत रहे हैं। वह तोको के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि जापान को जिम्नास्टिक्स में गोल्ड मेडल मिला, जिससे वो योशीदेरु को भूल ही जाती है। बाय द वे, जापान के गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं 20 साल के तेनमा उजुई, एंड नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये तेनमा तेंगेन का डिसेंडेंट है। योशीदेरु भी न्यूज़ देखने आ जाता है एंड इस बार वो लोग किसी आओबा हाशिबिरा के इंटरव्यू देखते हैं जो एक बोटैनिस्ट है। आओबा किसी फूल पर रिसर्च कर रहा था जो साल में सिर्फ 2-3 बार ही खिलता है, पर किसी मिस्टेक की वजह से ये रिसर्च अधूरा रहा। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये आखिर कौन सा अनोखा फूल है, तो ये है द ब्लू स्पाइडर लिली। जी हाँ, वही फूल जो मुजान सदियों तक खोज कर भी हासिल नहीं कर पाया, ये इनुसुके और आओई के डिसेंडेंट आओबा ने खोज निकाला। देन चलते चलते वो दोनों दो क्यूट से ट्विंस को देखते हैं। इन ट्विंस के चेहरों को देखकर मुझे ये और कोई नहीं बल्कि मुइचिरो और युइचिरो के पुनर्जन्म जैसे लग रहे हैं। ये सच में बहुत खुशी की बात है कि एट लास्ट मुइचिरो अब अपने बड़े भाई के साथ फिर से जी रहा है। योशीदेरु गेस करता है कि ये लड़कियां होंगे एंड इस पे तोको उसको क्रीपी कहती है। जैसे ही योशीदेरु चिल्लाता है कि वो क्रीपी नहीं है, दो लड़कियां उन पर हंसने लगते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली बहनें होंगी। ये लड़कियां सेकिरी वुमेन्स एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं, पर इन्हें देखकर मुझे ये कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं। अब आप ही इन दोनों को देखो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि हमने इन्हें पहले कहीं देखा तो नहीं। सो इसके बाद तोको को कनाता दिख जाता है। कनाता तोको को कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसके कर्ली हेयर्स क्यूट लग रहे हैं और वो दोनों एकदम ब्लश करने लगते हैं। ये दोनों बेशक एक दूसरे को पसंद करते हैं। बेचारा योशीदेरु ये सब देखकर जलने लगता है। जब तोको पूछती है कि सुमी को कहा है, कनाता कहता है कि वो अभी भी सो ही रहा है। योशीदेरु पास के किंडरगार्टन पे एक लंबे छोटे से टीचर को बच्चों का ख्याल रखता हुआ देखता है। एंड गाइस, ये काइन से टीचर होते हैं ग्योमे का पुनर्जन्म। तोको कनाता से पूछती है कि क्यों ना वो लोग क्लासेस के बाद उस फेमस रेस्टोरेंट पे चले। ये रेस्टोरेंट एक कपल चलाते हैं एंड आप ही देखो और कमेंट्स में बताओ ये लोग भी मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं। वेल, हुआ ये था कि योशीदेरु एक बार वहाँ के उस लड़की पर खूर रहा था जिससे उसके हस्बैंड ने गुस्से से उन पर चाकू फेंका। इस हरकत के बाद कनाता को फिर से अपना मुंह दिखाने का साहस नहीं है, क्योंकि ये योशीदेरु कुछ भी कर सकता है। आफ्टरऑल ये जेनित्सु का ही डिसेंडेंट है। फाइनली घर पे सुमी को नींद से जाग जाता है और तुरंत स्कूल के लिए निकलता है। अटेंडेंस छूट ना जाए इसलिए सुमी को उछल कूद कर अपने अनोखे स्टाइल से जाने लगता है। चलते चलते वो किसी के घर से निकलता है जहाँ दो बूढ़े आदमी चेस पे बिजी थे। ये दोनों थे मिस्टर उरोकोदाकी और जेनित्सु के स्वर्ण ग्रैंडपा जिगोरो कुवाजिमा के पुनर्जन्म। तभी उनके टीवी पे न्यूज़ आता है कि किसी लॉन्गेस्ट लिविंग जैपनीज पर्सन के, जो कई सालों से जिंदा है, उनके बारे में न्यूज़ में बताया जा रहा है। इनका नाम उबुयोशिकी बताया जाता है। और जी हाँ गाइस, ये बुजुर्ग किसी का पुनर्जन्म या डिसेंडेंट नहीं बल्कि खुद किरिया ही है। एंड ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि किरिया अभी भी इस दुनिया में खुशी खुशी है। सो भागते भागते सुमी को एक शॉप से गुजरता है जिसका नाम है हागानेजो का मेंटेनेंस। फिर वो तीन छोटी लड़कियों से टकराने वाला होता है जो कियो, सुमी एंड नाहो को रिजेंबल करते हैं। तभी रास्ते पे ट्रैफिक का रेड लाइट लग जाता है और पास में एक पेट्रोल कार भी था, बट सुमी को बिना हेजिटेट किए पेट्रोल कार से ऊपर भी जंप करता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। अब पेट्रोल कार भी क्या ही उसको अरेस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक सुमी को के ऊपर 7 रिपोर्ट्स लग चुके हैं एंड वो लोग थक चुके हैं। कार में रहे ये दोनों पुलिस गेनिया और सानेमी के पुनर्जन्म होते हैं। ये दोनों पुलिस सुमी को के पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते पे सुमी को तीन दोस्तों को देखता है, जिनमें एक होता है ग्यू का डिसेंडेंट गीची तोमियो का और बाकी दोनों साबितो और माकोमो के पुनर्जन्म। नाउ द क्वेश्चन इज, ग्यू ने शादी किससे किया? मीनवाइल एक गोतो नाम का स्टूडेंट अपने फोन पे किसी लड़की का खूबसूरत पेंटिंग देख रहा होता है, जहाँ उसका दोस्त ताकेउची आके इंटरप्ट करता है। ये दोनों डीमन स्लेयर काकुशीज गोतो और ताकेउची के डिसेंडेंट्स होते हैं।
योशिदेरू पेंटिंग को देखकर पहचान जाता है, एज उसने भी उन्हें देख रखा था। उसके मुताबिक ये पेंटिंग्स किसी तमायो नाम की महिला की है, जिन्हें योशिरो नाम के एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया है। आर्टिस्ट योशिरो अब वर्ल्ड फेमस होने वाला है। जी हाँ गाइस, ये वही डीमन योशिरो है जो छाछामारो के साथ अभी तक जिंदा है, क्योंकि यही दोनों एकमात्र लिविंग डीमंस हैं। योशिरो तामायो को कभी भूल नहीं पाया और अपने फीलिंग्स को इन पेंटिंग से ही दर्शाता है। योशितेरो ने सुना है कि जब भी कोई रिपोर्टर इस फेमस आर्टिस्ट योशिरो के इंटरव्यू लेने आते हैं, उन्हें योशिरो शूट कर देते हैं। योशितेरो कहने लगता है कि उसे भी इन पेंटिंग्स वाले तामायो पर क्रश है, आफ्टर ऑल वो जेनित्सु का ही तो डिसेंडेंट है। मीनवाइल जैसे ही सुमिही को भाग जाता है, उसे अपना फ्रेंड तोजुरो मिल जाता है जो स्कूल के लिए लेट था। ये तोजुरो नाम का लड़का सेंजुरो रेंगोकू का डिसेंडेंट होता है। तोजुरो लेट इसलिए हुआ क्योंकि उसने सुबह कुछ ज्यादा ही ट्रेनिंग किया एंड उसका लेट होना रेयर है। तोजुरो सुमिहिको को कैंडो क्लब या किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने एडवाइस करता है। उन दोनों के पीछे ही पुलिस का कार होता है, बट सुमिहिको कैजुअली उन्हें इग्नोर करता है और दोनों बातें करते करते भागते रहते हैं। स्कूल का गेट क्लोज होते ही दोनों जंप करते हैं और वहाँ पे कूल वे पे एंट्री मारते हैं और बेचारे पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाते। पर पुलिस स्कूल वालों से बात करते हैं एंड हम बेचारे आओबा को देखते हैं जो दुखी होता है कि कहीं उसे काम से निकाल ना दिया जाए, आफ्टर ऑल उसने उस रिसर्च को फेल किया। वो इनोसुके के जैसे चाहता है कि काश वो अकेले किसी पर्वत में शांति से रह सके, आफ्टर ऑल वो इनोसुके का ही डिसेंडेंट है। सुमिहिको के शैतानियों के बारे में उसके घर कॉल आता है, जहां उसकी मॉम सॉरी कहती है। हमें दिखाया जाता है कि उनके पास वाले वॉल पे कई सारे फोटोज लगे हैं और एक तलवार जो एक्चुअली तांजिरो का सोर्ड होता है, उसके ऊपर एक पुरानी तस्वीर होती है उन सभी के जो मुजान के खिलाफ उस बैटल में जीते थे, और योरिची सुगिकुनी के दो हानाफुला इयररिंग्स जो तांजिरो पहनता था। ऐसे ही हम सभी के फेवरेट कैरेक्टर्स फिर से इस शांति भरी दुनिया में हंसी मजाक के साथ फिर से जीते हैं। एट लास्ट सभी कैरेक्टर्स अंत में हमें अपने एक्सपीरियंस से सीख देते हैं। जन्म लेना एक आशीर्वाद है, कभी मुस्कुराना मत भूले। जब आप रोते हैं तो ये बहुत दुखद होता है। पछतावे में पीछे मुड़कर मत देखो, बस याद रखना कि हम यहाँ थे एक साथ लड़ते हुए और हंसते हुए, भाइयों और बहनों की तरह या पेरेंट्स और बच्चों की तरह। हमेशा गर्व रहना, तुमसे मिलना सबसे फॉर्चुनेट था और इससे मुझे खुशी मिला। आपके एग्जिस्टेंस ने मुझे बचाया और मेरे अकेलापन को दूर किया। तुम्हारे बारे में विचार अंदर से आग की तरह ताकत जगाते हैं। अगर संभव हो तो हर कोई एक दूसरे के साथ रहना चाहेगा, लेकिन उन्हें एक चॉइस बनाना था, या तो जियो या मरो, जीतो या हारो, लेकिन किसी भी चॉइस होना फॉर्चुनेट है। सच्चा दर्द एवलेंच की तरह है, एक व्यक्ति को एक पल में निगल जाता है और कोई चॉइस नहीं देता। वे सिर्फ दूसरों की रक्षा करने चाहते थे, दूसरों के जीवन उनके अपने जीवन से कई गुना जरूरी थे। खुशी आपके जीवन की लंबाई के बारे में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खुशी के इस गहराई को देखें। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं दुखी हूँ। हमने कभी हार नहीं मानी, ना कभी भागे, और हमने विश्वास बनाए रखे, और हमने हमेशा अपना सब कुछ दिया। कई मजबूत भावनाएं एक विशाल तलवार बन गई और बुराई को हरा दिया। ये हर किसी के ताकत के कारण था, हम में से किसी एक के बिना भी जीत असंभव होती। जीवन खुद एक चमत्कार है। आप प्रीशियस हो, आप महत्वपूर्ण हो, प्लीज़ जितना जी सके उतना जिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 साल का ये सफ़र आज ख़त्म हो ही गया। वीडियोस तो आएंगे ही, पर मैंने आज डेमन स्लेयर के पूरे मांगा एक्सप्लेनेशन सीरीज़ को कंप्लीट किया। शुरू किया था स्वॉर्ड्समिथ विलेज से जब सीजन 2 ख़त्म हुआ था एंड मैं जोश में था, एंड ख़त्म हुआ सुमिहिको और कानाधा के साथ। इस सीरीज़ में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, एंड आप सभी के सपोर्ट के बिना ये ऑफकोर्स नामुमकिन है। आई वेंट थ्रू मैनी हार्ड टाइम्स थ्रू आउट एंड हमेशा आप सब मेरे साथ थे।
भले ही मेरे कंटेंट एकदम 5 स्टार विद क्वालिटी वॉइस एंड ऑल ना हो, बट आई जस्ट होप आपको मज़ा आया होगा। वेल, इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरा चैनल ही ख़त्म हो रहा है, अभी तो और भी सीरीज आने बाकी है एंड डीमन स्लेयर के वीडियोस तो ऑफकोर्स आते ही रहेंगे। सो यस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो आपका किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मुझे ज़रूर खुशी होगा। देन सी यार।